हेलो, आज हम जो डिस्कस करें ये हमारा रेजिडेंशियल पर्पस से हमने घर का नक्शे का डिज़ाइन किया है, जो कि प्लाट साइज हमारा 16 फीट 10 इंच इंटू 49 फीट 11 इंच है। और इसको हमने दो फ्लोर के लिए प्लान किया है, ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसको कॉलम बीम बेस पे हमने डिज़ाइन किया है, जो कि एक घर का नक्शा है। और आप देख रहे हैं ये हमारा प्लाट है, प्लाट की चौड़ाई 16 फीट 10 इंच है और इस प्लाट की गहराई हमारी 49 फीट 11 इंच है। इसमें जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारा एक ये पोर्च है, पोर्च में हमने कार पार्किंग के लिए स्पेसियस हमारा पोर्च है। और फिर यहीं से एक स्टेप हम जैसे अप ऊपर जाते हैं तो इस गेस्ट रूम के लिए एंट्री के लिए डोर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। और एक डोर हमने इस पैसेज को डायरेक्टली अंदर जाने के लिए इस घर में एक हमने डोर का यहाँ डिज़ाइन किया है। और फिर यहाँ से हम देख रहे हैं आप कि यहाँ से एक स्टेप लेंगे तो फिर आप ऊपर स्टेयर का हमने डिज़ाइन किया है, जो कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सेम एज इट इज ऊपर हमारा यू शेप में स्टेयर का डिज़ाइन होगा। और हम कंटिन्यू फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे इस स्टेयर के थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक टॉयलेट, छोटा सा टॉयलेट का भी डिज़ाइन किया, जो कि सेपरेट है हमारा 3 फिट 6 इंच और 4 फिट 11 इंच साइज का हमने टॉयलेट का डिज़ाइन किया है। ये हमारा ओटीएस है। तो ये हमारा एक घर का नक्शा है, आप देख रहे हैं। ये हमारा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम का जो साइज है हमारा 10 फिट 11 इंच इसकी चौड़ाई है और करीबन 13 फिट इसकी जो है ये लंबाई है गेस्ट रूम की। तो यहाँ से फिर हम इंटर करते हैं तो ओपन हमने किचन और डाइनिंग ये लॉबी का डिज़ाइन किया है, आप देख रहे हैं। ये हमारी सिंक है, इसको वेंटिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा, जो कि ओटीएस का हमने डिज़ाइन किया है। और फिर इसी लॉबी से हमने एक डोर यहाँ से दिया, जो कि बेडरूम में एंटर करने के लिए। और इस बेडरूम से अटैच टॉयलेट है हमारा, ये टॉयलेट है जो कि 3 फिट 6 इंच और 6 फिट 4 इंच साइज का हमारा टॉयलेट है। इसको फुली वेंटिलेशन इस ओटीएस से मिल रहा है, इसी ओटीएस से हमारे इस बेडरूम को भी वेंटिलेशन मिल रहा है और इस ओटीएस से ही हमारे किचन को भी वेंटिलेशन मिल रहा है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा प्लाट है जिसमें हमने 2 रूम सेट और ओपन किचन, 2 टॉयलेट, कार पार्किंग, स्टेयर का डिजाइन किया है। तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर प्लान है इसमें कुछ समथिंग हमने चेंज किया है, बट हमारे जो कॉलम है वो थ्रू एज इट इज सेम प्लेस पे ऊपर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जैसे ऊपर आप आते हैं, स्टेयर रूम है हमारा, आप ऊपर आते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो हमने एक डोर का यहाँ पे डिजाइन किया है। और काफ़ी बड़ी सी लॉबी है, ये हमारी लॉबी है और इसी लॉबी में एक छोटा सा टॉयलेट का भी हमने डिजाइन किया है। जो टॉयलेट है हमारा 3 फिट 6 इंच इंटू 6 फिट 11 इंच का है। और ये हमारा ओपन किचन है, सेम एज इट इज जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था वैसे ही हमने फर्स्ट फ्लोर पे ओपन किचन का डिज़ाइन किया है, बट यहाँ पर लॉबी का स्पेस हमारा थोड़ा बढ़ गया है। इसको भी वेंटिलेशन सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह हमें टॉयलेट को भी मिलता है, बेडरूम को भी यहीं से वेंटिलेशन मिलता है और किचन को भी यहाँ से वेंटिलेशन हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये हमारा था एक बेडरूम और ये काफ़ी बड़ी सी लॉबी है हमारी। तो ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, जो कि इसमें हमने डिजाइन किया है, जो कि प्लाट साइज हमारा 16 फिट 10 इंच इंटू 49 फिट 11 इंच है। तो ये घर का प्लान है, जो इसमें बीम और कॉलम बेस पे हमने डिजाइन किया। आप ये देख रहे हैं जो हमारे ये रेड कलर के ब्लॉक हैं, ये हमारी कॉलम है, जो कि थ्रू एज इट इज हमारे 4 फ्लोर तक सेम ऐसे ही कॉलम जाएंगे। कोई कॉलम हमारा सेंटर में नहीं है, सब हमारे जो साइड की वॉल हैं उन्हीं के बेस पे हमने इसमें डिजाइन किया है। तो ये हमारा एक घर का नक्शा है और इसको रेजिडेंशियल पर्पस से हमने डिजाइन किया है 2 फ्लोर के लिए। तो जो हमारा चैनल है इंजीनियर अजय टेक है, प्लीज़ हमारे चैनल में और भी वीडियो काफ़ी अपलोड हैं, जरूर देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस शुभ हैप्पी होली पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।